Press the bell icon and never miss an update from us. Hi Nibetita, welcome to BT News. Hi, thank you so much for having me. Okay. Nibita, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रिसमस की. क्रिसमस है, सेलिब्रेशंस है, तो कैसे अपना क्रिसमस मनाने वाली हैं आप? सो बेसिकली मुझे पता नहीं अभी तक अगर मैं क्रिसमस इवेंट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. 24th को क्रिसमस ईव आई विल बी इन कोलकाता. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कौन सा फेस्ट होने वाला है. वी आर गोना सेलिब्रेट क्रिसमस. स्प्लिट्सविला की बात करें, जहाँ से आपने एक रियलिटी शो किया, जहाँ से आप यू नो आए बाहर निकले, कैसा था वो जर्नी एंड किसके साथ आप अभी भी कनेक्टेड हैं? सो मेरी स्प्लिट्स की जर्नी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही थी. बहुत सारे अप्स डाउन सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था स्प्लिट्स में. आई थिंक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी थी बिकॉज हमने एक महीना मतलब स्पेंड किया था उस विला में. सो ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस है, बहुत अटैचमेंट हो गई सारे कंटेस्टेंट्स के साथ. बात करें आपके कंटेस्टेंट की प्रियांक की, जो फिलहाल बिग बॉस में है, तो क्या फॉलो कर रही है आप बिग बॉस? आई थिंक मैं आई मेक इट अ पॉइंट टू एक्चुअली वॉच बिग बॉस. अगर मेरा कभी मिस हो जाता है देन आई वॉच इट ऑन वूट और समथिंग. तो हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ. तो कैसा लग रहा है प्रियांक का उसमें रोल? आपको लग रहा है वो फेक है, रियल है? प्रियांक आगे तक जाएगी नहीं जाएगी, कुछ बताइए आपकी राय उन पर. आई थिंक इस सीज़न का बिग बॉस काफ़ी डाइसी है. अभी अभी हमने देखा था कि हितेन एलिमिनेट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था. आई थिंक आई वॉज रूटिंग फॉर हिम. ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स ऑन द शो बिकॉज ही वॉज वेरी जेन्युइन. जो था मतलब ही वॉज अ यू नो सॉर्टेड पर्सन. जहाँ तक प्रियांक की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो गेम खेल रहे हैं. उन्होंने दो रियलिटी शो ऑलरेडी कर लिए हैं, सो ही नोज एक रियलिटी शो में क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं. आई गेस बिग बॉस की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा लेवल अप है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी शोज. तो जो बॉल गेम है ऑल टुगेदर इज़ वेरी डिफरेंट कम्पेयर टू स्प्लिट्स या रोडीज. तो कहीं ना कहीं आई थिंक इन द बिगिनिंग ही वॉज गेटिंग लॉस्ट. उन्हें समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि हाउ टू प्रोसीड इन द गेम. यू नो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो रहे थे वो. बहुत बड़ी एक डिबेट हो गई थी दिव्या और प्रियांक के बारे में व्हेन दिव्या एंटर द शो और उन्होंने ब्रेकअप किया यू नो स्क्रीन पे. लेकिन प्रियांक ने बाद में कहा कि उनका ऑलरेडी एक ब्रेकअप हो गया था, तो उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है. तो स्प्लिट्सविला में डू यू थिंक कि उन्होंने यू नो एक मेकअप किया, एक स्टोरी मेड की to you know be in a relationship and you know just for the show and then Big Boss mein aake wo pure badal gaye? What is your opinion? See, honestly speaking mujhe pata nahi personally splits mein un dono ki kya baatein chalti thi, but as a viewer jo mujhe dikhta tha spending time with them, jo bhi tha unke beech mein villa ke andar, they were together. मतलब जब आप एक महीना किसी के साथ होते हो तो ऑब्वियसली एक लेवल की अटैचमेंट हो जाती है. यू फील अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम. तो जहाँ तक स्प्लिट्सविला की बात की जाए तो आई थिंक वहाँ पर उनका कनेक्शन था. बट शो से निकल के सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं. सो आई डोंट नो पर्सनली उनके बीच क्या हुआ, यू नो उनका इक्वेशन चेंज हुआ कि नहीं. बट दोनों के स्टेटमेंट्स भी अलग अलग हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि उनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है जो इतनी डिफरेंसेस आ गई है. यू आर मोर फ्रेंड्स विद दिव्या, आप ज़्यादा दिव्या की फ्रेंड है, तो उनसे बातचीत हुई, कुछ बताया उन्होंने इस बारे में? आई थिंक मी बींग अ गर्ल ऑब्वियसली आई एम अ लिटिल बिट क्लोजर विद दिव्या. सबसे ज़्यादा लड़ाई उनसे भी हुई है, तो आई थिंक एक अच्छा बॉन्ड बन गया है दिव्या के साथ. वी डू इतना टाइम नहीं मिलता कि हम यू नो रेगुलर बेसिस पे यू नो कैचअप कर सके और कन्वर्स कर सके. जहाँ तक दिव्या का सवाल रहता है, आई थिंक फ्रॉम हर साइड शी वाज वेरी क्लियर दैट शी डिड लाइक प्रियांक, एंड जो भी उसके साइड से था काफ़ी जेन्युइन था. और क्रिसमस की हम वापस बात करें तो एक विश ऑडियंसिस के लिए कि क्रिसमस की आप एक विश दे दीजिए. Sure. So I'd like to wish each and every one of you an amazing, incredible Christmas and a very positive New Year. So अच्छे resolutions set करो, have fun, spend time with your loved ones, friends, family, जो भी है, party hard and yeah, just have a very, very good time. Thank you, Nibedita, for talking to us. Thank you very much. Hi guys, this is Nibedita and you're watching me on BT News. So subscribe to their YouTube channel right now. Thank you. Thank you for watching. For Bollywood's latest updates, subscribe to our channel BT News right now.